आप देख रहे हैं कि पूरा जीवन इनका इस तरीके से गुजर गया और समाज की सेवा कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं इस उम्र के अंदर भी बिल्कुल नौजवान की तरह काम करते हैं। हमारे बीच में हैं मोती मेहता जी। मोती मेहता जी, आपका एसएम न्यूज में हार्दिक स्वागत है। बहुत अच्छा लगता है आप आए, मुझे बड़ी बड़ी खुशी होती है। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, और जब आप सुन के आए तो मुझे और ज़्यादा खुशी हुई कि समाज में एक रोशनी तो रोशनी है, और रोशनी तो परमात्मा का कर्म है। सूरज उदय होता तो पूरी आधी दुनिया को रोशनी जाती है। अगर कोई हथेली लगा ले तो उसका प्रभाव सूरज पे नहीं पड़ता, सूरज का कर्म है। ये सारी बातें अपने आप में ऑब्जर्वर है। आप भी अपने आप में एक मीडिया चैनल से, मीडिया चैनल वाला बहुत ही अदब से बात करता है, और मीडिया चैनल का तो मकसद एक ही होता है कि एक कोई अच्छी समाज में घटना दुर्घटना है, अच्छी कोई बात विवाद है, अच्छा कोई हिसाब किताब है, अच्छा कोई कर्म हो रहा है तो उसको वाइब्रेट किया जाए या उसको दूर दूर तक फैलाया जाए। तो आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी, और मैं उसी नाते मैं आपके साथ जुड़कर बहुत ही आत्मा से, अपने दिल से मैं आपके साथ जुड़कर आज बात करूँ। मेरे को भी अच्छा लगा कि एक मीडिया चैनल जब इस तरह से सोच के, इस तरह की सुनकर बात जब आता है तो लगता है हमें भी थोड़ा सा जोश आता है। घमंड तो मैंने सुना राजा रावण को हुआ, तबाह हो गया, तो ये हम घमंड नहीं कहेंगे, एक स्वाभिमान जरूर कहेंगे। मन में जोश जरूर आता है कि एक मीडिया जब इस बात को उत्साह के रूप में ले रहा है, एक व्यवहार के रूप में और एक एक्साइटमेंट के रूप में ले रहा है, प्रोग्रेसिव वे में ले रहा है, तो हमें अच्छा लग रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। मोती मेहता जी, जब से आप ये काम कर रहे हैं, इस काम की, इस तरीके समाज की सेवा करने की, आपके अंदर एकदम ये ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न हुई? मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ कि हमारे परिवार में, मैं जोधपुर से बिलोंग करता था, अब तो 50 से ऊपर वर्ष हो गए, 52-53 साल हो गए दिल्ली आए, तो अब तो दिल्ली दिल्ली लगती है। दिल्ली अपने आप में एक महानगर है, लेकिन हाँ, जब आपने बात पूछी तो याद आ गया कि 5 साल की उम्र से मेरे भीतर एक वैराग्य थी, क्योंकि मंदिर हमारा था, मस्जिद हमारी थी, घर परिवार हमारा था, और सारा का सारा परिवार साधु संतों में शुरू से लेकर आखिर तक जुड़ा रहा। तो शुरू से एक मन में, खून में एक विविधता, एक एक बात तो पैदा हुई जिसको लेकर ये एक ऊर्जा सी, आप जो कह रहे हैं ऊर्जा शब्द सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वाकई में एक ऊर्जा पैदा हुई, और मैं जब से तो था ही, लेकिन जब से दिल्ली आया 18 साल की उम्र से एक गुरु मिले मेरे को, जैन गुरु, उनके साथ जुड़ने से ये एक ऐसी विधान मिला मुझे, एक ऐसा ज्योतिष का सब्जेक्ट मिला कि वो भी बहुत ही सेवाभावी इंसान थे। कन्हैयालाल जैन के नाम से उनका पूरा एक हिसाब कैलाश नगर दिल्ली जैसे महानगर में, तो उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया, अपने पास बैठाया, और बहुत ही कृपा रही उनकी मेरे ऊपर, इतनी कृपा रही कि बहुत जल्दी मैं इस लाइन के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर पाया। मेहता जी, जैसे आपके पास में जो मरीज आते हैं, जो दिन दुखी आते हैं, आप उनको उनके चेहरे से ये पहचान लेते हैं कि इसको भाई ये दिक्कत है। कुछ लोग इस तरीके भी के भी लोग आते हैं कि चलो ये मेहता जी हैं, आओ इनसे थोड़ा एक हंसी मजाक जैसा, एक अपना अंदर से एक उमंग सी लेके आते हैं, सही बताएंगे गलत बताएंगे? नहीं, वो तो मैं मानता हूँ। आज सुबह जी हम साउथ में एक प्रवचन में गए, तकरीबन 1600 परिवार वहाँ थे, लेकिन 2 परिवार ऐसे पैदा हो गए कि जो वाकई में आप वाली बात मेरे को याद आ रही कि वो इस तरह के पैदा हो गए। कुछ भीड़ में लोग होते हैं जी, वो कौन होते हैं वो भी मैं समझा दूं कि जो आदमी खुद ब खुद पेट के लिए ये कर्म करते हैं। ये ज्योतिष एक धार्मिक विषय है, हमने इसको धार्मिक वृत्ति में, इनको सेवा भावना की वृत्ति में लिया, लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो पेट का पालन करते हैं, जिन्होंने इस सब्जेक्ट को पेट का एक जरिया बना लिया कि पेट की रोटी इससे चलेगी, इस तरह के लोग आते हैं तो वो हमें हिलाने की भी कोशिश करते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि ये आया ही क्यों यहाँ, कि हमारे 1600-1700 परिवार ये ना मिसगाइड हो जाएंगे। तो उन्होंने बात बड़ी अजीब करी,
एक बहन आई, बोला मोती बाबू मैं आपके पास बैठी हूँ और ये जो शख्स आपसे बात कर रहा है आपने इसको ठीक पकड़ लिया, चेहरे से पकड़ा, चाहे व्यवहार से पकड़ा, चाहे बोलचाल से पकड़ा, चाहे चेहरे से, चाहे बातचीत से पकड़ा, होंठ हिलते हैं तो एक अनुभव हो जाता है, ये एक तजर्बा सा हो गया। वो बहन बोली कि इस शख्स से एक मेरी गुफ्तगू हुई, मेरे जनाब ने पूछा मुझे ब्याह को 8 साल हो गए और आज दिन तक हमारे कोई इश्यू नहीं है, तो बोला ये पंडित जी बोले मैं केदारनाथ जा रहा हूँ वहाँ दिया जला दूंगा। सब हंस पड़े इस बात से, दिया जलाने का क्या वास्ता, लेकिन जब उनकी बात थी तो बात थी, वो चले गए। ये बात सुन के बड़ी अजीब सी बात हुई, लेकिन घूम के फिर दोबारा आए पलट के 2 मिनट बाद ही, तो उस बहन ने, अब वो बहन थोड़ी सी चमक गई क्योंकि बहुत 10 साल तक कुछ ना कुछ चलता ही रहा खाना पीना। तो बहन ने जब उनको दोबारा आए देखा, बोला पंडित जी अब आप क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, बोला यही मैं आया हूँ तो आपसे मिल लूँ। बोला आपको मिलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ऑलरेडी 10 बच्चे हो गए हैं और मेरे जो पंडित जी हैं वो केदारनाथ दिया बुझाने गए हैं, सब लोग हंस पड़े। तो कहने का मतलब जो इस तरह के लोग होते हैं, जो उधर पूर्ति के वास्ते लड़ते हैं, वो हम जैसे बंदों से मिलकर थोड़े से कतराते हैं कि ये हमारी दुकानदारी ख़राब कर देगा। आज हॉस्पिटलों में भी क्या हाल हो रहा है, आज हॉस्पिटलों में ये भूमिका बनाई जा रही है कि कोई भी आए चाहे बीमार हो ना हो एडमिट कर लो, सबसे पहले ये पूछा जाए तुम्हारा मेडिक्लेम है या नहीं है, मेडिक्लेम है बहुत अच्छा, नहीं है बहुत अच्छा। एक बंदा पहुँच गया एक हॉस्पिटल में, जाते ही उसको एडमिट कर लिया, अरे बोला मेरे को ऐसी कोई बात नहीं है, बोला नहीं एडमिट करो, एडमिट तुम तो मर जाओगे नहीं तो, एडमिट किया और फार्म दे दिया, बोला फार्म भरो। फार्म भरते भरते जब ये पूछा गया तुम करते क्या हो, तो उसने SBI लिख दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओए होए होए मनोज साहब आप कहाँ पहुँच गए, आपने मेरे चेहरे को पढ़ लिया, यू आर ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। यही हुआ, उसने जैसे लिखा SBI तो चमक गया, पहले कहा कोई बात नहीं, यूँ करके फेंका वापस कागज, बोला कोई बात नहीं आप तो दवाइयों से ठीक हो जाओगे, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अरे बोला अभी तो आप 6 लाख का चिट्ठा बता रहे थे, अभी तो आप ये बता रहे थे वो बता रहे थे, ये SBI सुन के आपने कागज में, बोला कोई बात नहीं आप दवाइयों से ठीक हो जाइए आप जाइए। तो कहने का मतलब ये जब इस तरह की प्रेरणाएं मुझे मिली, इस तरह की जब बातें मुझे मिली, मेरी एक बहन आज दिल्ली में बहुत बड़ा भारी स्कूलें चलाती है रंजना सहगल के नाम से, वो एक पॉमिस्ट के पास चली गई, दिखाने का तो हर एक को रहता ही है, दुख सुख सबके घर में आता है। वो पहुंची, ज्योतिषी महाराज उनके सामने गाड़ी खड़ के गए, ऊपर गए, पीछे पीछे उसने भी गाड़ी स्टेप किया, ऊपर चली गई, एक स्टेनो बैठी थी, बोला नाम लिखवाओ, नाम लिखवा दिया, 1100 रुपये फीस जमा करो, 1100 रुपये जमा करवा दिए, बोला मिलवा दीजिए, बोला आज मिलने का उनके पास टाइम नहीं, बहुत भीड़ है, वो आपसे बृहस्पतिवार को मिलेंगे। अरे बोला कमाल हो गई, अभी मेरे सामने ऊपर चले हैं, कोई भीड़ नहीं, कोई बात नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, ये क्या बात कि बृहस्पतिवार को मिलेंगे। लेकिन चूंकि वो स्कूल में चलाती है, बोल्ड लेडी थी, आखिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेडी थी, खुद तपाक से अंदर चली गई, टांग पे टांग रखे, तकिए पे सर लगाए, पंडित जी बैठे अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने अखबार खींचा, बोला क्या तरीका है ये आपका, अभी मैंने 1100 रुपये जमा करवाए, स्टेनो से पूछा मेरा नंबर लगवाइए, ये कह रही है आपका बृहस्पतिवार को नंबर लगेगा, पंडित जी तो बहुत बिजी है भीड़ में। जब मैंने आपका ये हाल देखा तो पंडित जी हक्के बक्के रह गए, बस पंडित जी ने आत्महत्या की तो मैं क्या कहूँ, चेहरा तो जो मैं ठीक बोल रहा हूँ, उनके चेहरे पे ये शब्द आ गया आत्महत्या करके मर जाऊँ, पंडित जी के दिमाग में ये आया। उसने ये कहा पंडित जी मरने की ज़रूरत नहीं है, आप दुनिया को धोखा देते रहिए, आप अपने दरवाजे बंद करते रहिए, खोलते रहिए। ये बात समझ में आती है, जब भी तो ये भावना पैदा हुई कि दरवाजों में दरारों में झांकने की आदत लोगों को पड़ गई है और हम दरवाज़ा खुला रखे बैठे हैं, फिर कोई आने को तैयार नहीं, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ दरवाज़ा खुला है और लोग आते हैं, ये प्रेरणा यूँ मिल जाती है। अब तो दिमाग में एक भावना आ गई कि इस तरह का समाज में डकैतियाँ हो रही है, डकैतियाँ पड़ रही है, इस तरह की समाज में उल जलूल बातें हो रही है, इस तरह से खून
पिया जा रहा है, इस तरह से हैरेसमेंट किया जा रहा है, लेना देना कुछ नहीं, जेब काटने का एक सिलसिला बना लिया है। ज्योतिष से एक धार्मिक सब्जेक्ट, इस बात को लेके प्रेरणा मिली, इस बात को लेके ऊर्जा पैदा हुई और हम काम में लगे, और अब तो और प्रेरणा मिल गई इस तरह की बातें सुन सुन के कि समाज में ये हाल है, क्या प्रेरणा देते हैं ये लोग और क्या प्रेरणा मिलती है। तो एक बात समझ में आई, हमने अपने लिए जोड़ ली कि बनिए का बहकाया और पंडित का फटकारा। बनिए तो हम जाति से हैं, तो बनिए का बहकाया तो मान सकता हूँ, लेकिन दुनिया जब मैं ये कर्म करता हूँ, पंडित जी वाला काम कर रहा हूँ तो पंडित जी है, तो पंडित जी वाला शब्द आ गया तो फटकारा, पंडित का फटकारा और बनिए का बहकाया, कभी पानी नहीं मांगता, ये सबक मिला मुझे और इस सबक से मेरे में बहुत ही बड़ी भारी ऊर्जा पैदा हो गई जो मैं काम कर रहा हूँ। मेहता जी, आपने अभी बताया कि मेरे घर के पास में जैन मंदिर था और मस्जिद थी और गुरुद्वारे की वाली बात है, क्या आप इन सभी समाज के लोग जो आपके पास में आते हैं या अपना उपचार कराने के लिए, आपको कुछ इस तरीके कुछ महसूस होता है, भैया क्यों आ गए, क्यों नहीं आए? नहीं, बिल्कुल हर तरह का बंदा आता है जी। मैं जाति से जैन हूँ, कर्म से कर्म लेकर चलता हूँ, इसमें कोई जाति नहीं है, जैन कोई बिरादरी नहीं है, ये भी सच्चाई है। जैन का मतलब ये, वो शीशा जिस पे कोई अक्स न ठहरे, वो शीशा जिस पे कोई अक्स न ठहरे, ये जैन की फिलॉसफी है, इस बात को लेके चलते कोई भी आए। हमारे यहाँ कोई जात भी, हमने किसी से ये नहीं पूछा तुम कौन हो जी, किसी से ये नहीं पूछा तुम क्या करते हो, किसी से ये नहीं पूछा तुम कहाँ रहते हो, किसी से ये नहीं पूछा तुम मेट्रो में आए पैदल चल के आए, किसी से ये नहीं पूछा तुम कोठी से आए या वाड़ी से आए लाड़ी से आए, हम कभी नहीं पूछे। हमें तो कर्म करना है, हम कर्म करेंगे, तू को तू कहेंगे, यस को यस कहेंगे, जी को जी कहेंगे, हर एक से प्यार से बोलते हैं, ये प्यार से बोल, ये मेरे बाप के बराबर है, इससे भी बात करेंगे हम। अब ये चेहरा जो दिखा रहा है इसका मतलब यही है कि हाँ, ये अपनी बाप पे और ये अपनी माँ पे गया है तो अच्छी बात है, ये अपने माँ पे गया और ये अपने बाप पे गया तो मानना पड़ेगा, ये बड़ा हो गया ऐसा ही बनेगा, धमका के बात करेगा तो अच्छा लगता है। आज के जमाने में ऐसा होना बहुत जरूरी है जी 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 जी, वरना लोग पी जाएंगे खा जाएंगे जी जी जी। आजकल का पूरे वातावरण में इसी तरीके से चल रहा है, लोगों को गुमराह करो और अपने रोजी रोटी कमाओ, ये सच्चाई है। आज ये मेरा पूरा परिवार बैठा है, भजन ही भजन और सुख के क्षण, बहुत अच्छा लगता है। आज कहीं भी चले जाओ बड़ा दुख लगता है। आज एक प्रोग्राम में गया, बोला जी ये 50 लाख का चिट्ठा है, ये भजन ही भजन, अरे मैंने कहा 50 लाख के चिट्ठे का क्या मतलब, बोला ये स्टेज बनेगा, ये गायक आएंगे, अरे मैंने कहा गायक, बोला गायक 50,000 लेगा, 1 लाख लेगा, अरे मैंने कहा वो घड़ी देख के आते हैं, आज पौन घंटा गाते नहीं, आप लोग समाज वाले बेवकूफ़ बन रहे हैं, बोला जी हम बेवकूफ़ नहीं बन रहे, हम तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। लो ऑर्गेनाइजर बोला हम बेवकूफ़ नहीं बन रहे, हम तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि वो रसीदें छपा लेते हैं, उन पर चंदाना हाँ वो ले लेते हैं, देते 4 रुपये साइन करवाते हैं 10 का, चाहे वो लेती 40,000 रुपया है बंदा, गाने वाला बंदा चाहे 40,000 लेता लेकिन हल्ला करते 1 लाख का, लेता चाहे 10,000 है हल्ला करते 25,000 का, बोला हम आपकी दुकानदारी बढ़ा रहे हैं। अरे लानत है, भजन में कब लिखा है पैसे लेके गाओ, हमारे यहाँ तो 300 आदमी हम गाने वाले हैं, कोई ये नहीं कहता हमें तो पानी की गिलास का भी खर्चा चाहिए। मेहता जी, इस समय आपकी कितनी एज हो चुकी है? मेरी एज अप्रोक्स 70 70 हो चुकी है, मतलब 70 आप एवरेज। तो आगे आपका और क्या है इस तरीके के कार्यक्रम है? जब तक जिएंगे हम किसी से नहीं कहेंगे कहाँ से आए हो, कोई भी कहेगा अच्छा भजन कीर्तन होगा, अच्छा कर्म होगा। आज यहाँ आने से 6 प्रोग्राम मिल गए अशोक विहार के जी जी। 3 प्रोग्राम शालीमार बाग के, 1 प्रोग्राम पंजाबी बाग का, 1 प्रोग्राम प्रीतमपुरा का, 2 प्रोग्राम एसके साउथ दिल्ली के, 1 प्रोग्राम विवेक विहार का, ये 13 प्रोग्राम बैठे बैठे मिल गए और ऑलरेडी मार्च तक सारे प्रोग्राम बुक है, तो हमें क्या तकलीफ है कि जो हम भीख मांगे। आज लोग हैं ना जो छुटभैया हैं, वो तो 54 और 58 के लिए भी तरसते हैं, कोई प्रोग्राम तक उन्हें नहीं देता जी। खामा खा आ बैल मुझे मार,
मेहता जी, लास्ट क्वेश्चन आपको, ये इंडिया ही नहीं, इसको आपके आशीर्वाद से भारत देश लगभग देख रहे हैं। आपने भी बताया कि जो मेरी ये 80 लोग टीम है भजन कीर्तन करती है, तो आप जो और जो विदेश के लोग देख रहे हैं आपके मुख से, एक भजन की दो कड़ियाँ सुनना चाहते हैं। मेरे जो गुरु थे सुशील मुनि, बहुत रिनाउंड गुरु रहे, और जो ये मालिक है अशोक विहार जैन इस मंदिर के, रोशन लाल जी अग्रवाल, वो भी मेरे परमात्मा गुरु से मिलते थे, वो भी गौ हत्या आंदोलन में एक साथ थे। उस समय मेरा रोशन लाल जी अग्रवाल साहब से परिचय नहीं था, लेकिन बाजार के हमारे सेठ थे, परिचय ये जरूर था। और धीरे धीरे ये बात सामने आ गई, सुशील मुनि जो मेरे गुरु थे वो इंटरनेशनल गुरु थे। आज 42 कंट्री में 564 आश्रम हैं उनके। आज मुझे हर स्टेट की, हर गवर्नमेंट की, हर कंट्री की ऑफर है, लेकिन मुझे फॉरेन से एलर्जी है। ये मैंने तय कर लिया, ये मैंने पूरा रिसर्च किया, फॉरेन दो ही किस्म के आदमी जाते हैं, या तो जिनकी माँ बाप से पटरी नहीं खाती, या धन कमाने के लिए। तो दोनों बातें मेरे दिमाग में नहीं बैठती, इसलिए मैंने फॉरेन नाम की सब्जेक्ट से बिल्कुल एलर्जी हो गई। फॉरेन जाने को तैयार नहीं, फॉरेन दुनिया बुलाने को तैयार है, फॉरेन से मुझे एलर्जी है। अब तो मुझे कोई कहता दिल्ली छोड़, तो भी छोड़ने को तैयार नहीं है। रही बात भजन की, आज परमात्मा का कृपा है, सारा लाइव टेलीकास्ट होता है। ये भजन तो गाते गाते हमारा जीवन बीत गया, अब तो मैंने परिवार के लिए, हाँ, लेकिन भजन गाने की बात आई है तो गाते क्यों नहीं गाते। मेहता जी, मैंने इसीलिए फॉरेंस का नाम लिया, मैंने विदेश का नाम लिया, मुझे पता था कि मेहता जी फॉरेन से बहुत नफरत करते हैं, फॉरेन के वालों से भी। अरे फॉरेन से मैं विदेश की बात कर रहा हूँ। अरे फॉरेन से इसलिए नफरत करते हैं कि मैं खाने वाला पीने वाला आदमी नहीं हूँ। आज फॉरेन में जो जा रहे हैं या तो सीना पीटते हैं, या छाती पीटते हैं, या नॉनवेज हो जाते हैं, अपना धर्म बेच देते हैं। जी। आज एक कमरे में हम छह रहते हैं, जो छह बनाएंगे एक जैसे तो नहीं रहते, बनाएंगे फिर वैसा आदमी। तो फिर इन सारी बातों से एलर्जी होने के नाते फौरन सब दिमाग से हट गया। भजन तो गाते हैं, लाइव टेलीकास्ट है, दुनिया में जाता है, दुनिया के मैसेज आते हैं। आज भी कोई ऐसी कंट्री नहीं, 197 कंट्री में मैसेज गया है, 197। आज भी जो मैं 1600 परिवारों में बोल के आया हूँ, कम से कम 3000 बंदे, ये तो 6 और 36 है, वहाँ 3000 बंदों ने मेरी फोटोग्राफी की। कम से कम दुनिया के 50 करोड़ आदमियों में आज की आज मेरी न्यूज पहुंच चुकी। जी। क्यों, जो बात हम करके आए वो बात हम ऐसे ही करके आए कि हम ब्याह करवाते हैं, शादियां करवाते हैं, रिश्ते करवाते हैं, बीमारी का इलाज करते हैं, बात करते हैं, चीत करते हैं, गाइड करते हैं। गॉड मेक्स ए मैन बट वी मेक हिम ए जेंटलमैन। जब ये बात कही तो उनको बहुत अच्छा लगा। एक शख्स था, एक बात आई कि बोला जी आपने एस्कॉन मंदिर में अटल बिहारी वाजपेयी के सामने एक बात रखी थी। मैंने कहा रखी थी तो उसका आप नतीजा देख रहे हैं। मैंने उनके आगे एक बात रखी, उस समय कोर्टों में डाइवोर्स के ऊपर बहुत भारी हल्ला था, तो हमने एक बात रखी अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के सामने कि मैं समाज को बेटियां जलाने का, बहुएं जलाने का हक देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मैंने ये बात रखी। अच्छा, कि मैं तमाम शख्सियत जो भी बैठी है उनको बहुएं जलाने का हक देता हूं, लेकिन एक शर्त है। पूरा का पूरा पंडाल यूं देखने ही लगा ये क्या बोलेगा, एक शर्त और क्या रख देगा ये। मैंने कहा मैं समाज को बहुएं जलाने का हक देता हूं, लेकिन एक शर्त है, पहले अपने घर आंगन में अपनी बेटी को जला कर दिखाओ। तालियां बज गई। आज दिन तक उसका फर्क ही आया है, आज दिन तक उसका ये फर्क आया है कि सिर्फ अब समाज में 5% की एवरेज आई है, 95% ये बात जब से बोली है, जब से रफा दफा हो गई। अब भी एक बात बोलते हैं, और बोलते हैं तो बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भाषण कर रहे थे, जब आपने बात कही बिरादरी की, बिरादरी से हमारे वास्ता नहीं है, हम अपनी भाषा बोलते हैं। उस समय CM शीला दीक्षित साहिबा थी, मैं जनरल सेक्रेटरी मर्चेंट एसोसिएशन के नाते पहुंचा, और बोलते बोलते मैं बोल पड़ा कि मैं राजपूत की औलाद। एकदम उन्होंने मेरे को रोक लिया, बोला भाई तू तो कहता है कभी जैन, कहता है कभी बनिया, कभी ब्राह्मण, कभी कुत्ता, कभी कमीना। अरे मैंने कहा ये मेरी भाषा है। बोला ये क्या बोल रहा है। मैंने कहा यही बोलता हूँ मैं, जैसा आदमी होता है, जैसा देश वैसा भेष, मुझे ऐसे ही समझाना पड़ता है। मैंने कहा अभी चुप रहो, पहले मैं अपनी भाषा तो बोल लूँ, भाषण तो कर लूँ। भाषण कर लिया, उसके बाद पेट में बात समाई नहीं, बोल पड़ी। बोला भाई अब तो बता दे। मैंने कहा जिसका राज उसके पुत्र राजपूत,
जिसका राज उसके पुत राजपूत राजपूत। मैंने कहा बिरादरी तो अपनी है, बिरादरी को रोकने और झोंकने के लिए हमें कोई तकलीफ नहीं है, बिरादरी मेरी है, बिरादरी को चलाना मुझे आता है, बिरादरी मेजे मुझे जब चलती है बहुत अच्छा लगता है। आज ये ऊर्जा सच्चाई में आज ये एक शब्द नया मिला है उसको एडॉप्ट करूँगा, ऊर्जा। आज मेरे को बहुत ज़्यादा ये सच्चाई में ताकत मिली है, इस ताकत को 100 गुना मनोज साहब आपका मैं तो कहूँगा, आज मनोज साहब ने मेरे को सर्टिफिकेट दे दिया ऊर्जा का, ये ऊर्जा बरकरार रहेगी, ऊर्जा घर घर में कोने कोने में और दीवार दीवार में चुनवा देंगे ऊर्जा को। और जब मज़ा आएगा कि जब तक जिएंगे काम करेंगे।